प्रदेश में 9 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 129 हो चुकी है। आज जयपुर के रामगंज में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले, जोधपुर में एक नया कोरोना पॉजिटिव मिला और झुंझुनू में तबलीगी जमात से आया शख्स भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। भीलवाड़ा में अब तक 26 कोरोना पॉजिटिव, जोधपुर झुंझुनू में अब तक 9 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। चूरू में 8, अजमेर में 5, टोंक में 4, डूंगरपुर की अगर बात करें तो 3 और अलवर और प्रतापगढ़ में 2-2 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 129 पहुंच चुकी है। लगातार कोरोना का कहर प्रदेश में जारी है। और प्रदेश में कोरोना से तीसरी मौत। आपको बता दें 18 ईरान से लाए गए भारतीय भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव मरीजों में 12 तबलीगी जमात के लोग हैं। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोशिशें तमाम की जा रही हैं, प्रयास तमाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कैसे कंट्रोल में सिचुएशन को लाया जाए, लेकिन लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ। जोधपुर में भी एक और नया कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। झुंझुनू में भी तबलीगी जमात से आया शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है और भीलवाड़ा में अब तक 26 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जोधपुर झुंझुनू में अब तक 9 पॉजिटिव सामने आए हैं। और अधिक बातचीत के लिए A1 टीवी के चैनल हेड अनिल ओढ़ा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, देखिए, चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया में अभी गंभीर हालात हैं। भारत की अगर बात करें तो बेहद गंभीर हालात हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2 विस्फोट यहां पर तबलीगी जमात और रामगंज साबित हुए, जिसके बाद राजस्थान में भी संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त दुनिया में 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं जी, इनमें से लगभग 2 लाख ठीक भी हो चुके हैं और 47,000 लोगों की मौत हो गई है जी। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 5,000 क्रॉस कर गया है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे मेडिकली फिट जी और साधन संपन्न राष्ट्र है, वहां 5,000 लोग मरे। भारत में ऑफिशियली 50 लोगों की मौत स्वीकार की गई, लेकिन 60 के आसपास मौत का आंकड़ा विभिन्न सूत्रों से आ रहा है। और भारत में जो कोरोना वायरस का अभी तक फैलाव है वो बहुत ही कंट्रोल्ड था। बहुत समय पर लॉकडाउन हुआ राजस्थान में, बहुत समय पर लॉकडाउन हुआ, और राजस्थान में पहला विस्फोट तो भीलवाड़ा में हुआ था जी। और वो कंट्रोल कर लिया गया था कर्फ्यू के बाद, लेकिन यहाँ पर रामगंज के एक व्यक्ति ने, जिनको ओमान से आए थे, बहुत समझाया गया, क्वारंटाइन किया गया, लेकिन माने नहीं, जगह जगह घूम के लोगों से गले मिलते रहे, हाथ मिलाते रहे और उनकी जान खतरे में डालते रहे। और ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया, एक व्यक्ति जिसने कम से कम 30 लोगों को यहाँ संक्रमित कर दिया है, बिल्कुल जयपुर में अकेले में। इसलिए ये, इसको मैं एक जहालत कहूंगा, इसको कोई हिंदू और मुसलमान के नजरिए से ना देखे। दिल्ली में जो तबलीगी जमात ने किया, हमने देखा है दुनिया में विस्फोट होते हैं आतंकियों के द्वारा जी, तो वहां जो लोग होते हैं मौजूद वही मरते हैं। मस्जिद में विस्फोट, अफगानिस्तान में तो मौजूद जो वो लोग मरे, किसी इंडस्ट्री में होता है तो वहां जो मौजूद है वो लोग मरे। ये ऐसा विस्फोट है जो कि वहां के लोगों को तो संक्रमित कर रहा है। तेलंगाना में जाके 6 लोग मर रहे हैं, तमिलनाडु में मर रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां तबलीगी जमात से लोग गए हैं वहां वहां वो संक्रमित किए जा रहे हैं। और ये ऐसा विस्फोट है जिसकी चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है जी। तो ये अभी भी अपील करना चाहता हूँ तबलीगी जमात के लोगों से कि वो जहां भी हैं, अगर सुन रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, अपने आप को पुलिस के सामने लाकर बताएं। अगर वो संक्रमित हैं तो, नहीं है तो भी पुलिस को बताएं, हाँ मैं उस जमात में गया था। वो पूरी दुनिया को संकट में डाल सकते हैं, पूरे देश को संकट में डाल सकते हैं, और ये उनके जीवन के लिए भी जरूरी है, उनके रिश्तेदारों के, दोस्तों के, जिनके घर में छुपे हुए वहां भी उनके जीवन के लिए भी जरूरी है और पूरे सामाजिक जीवन के लिए जरूरी है। देश के लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि इस वक्त बहुत बहुत ही संवेदनशील वक्त है, इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से ना देखें। तबलीगी जमात के लोगों ने
एक धार्मिक अनुष्ठान किया या बैठे मिले एक एकजुट हुए और वहाँ जो भी तकरीर पेश की गई उसके ऊपर अभी बहस का वक्त नहीं है जी। सिर्फ वक्त इस बात का है कि लोगों को छांटे ढूंढे उनमें ये ईमान जगाए कि वो अपने आप को पेश करें और उनको क्वारंटाइन करके उनको फर्दर आगे विस्फोट करने से बचाया जाए पहली बात जी। दूसरी बात दो बातों का उल्लेख मैं अपने दर्शकों से करना चाहता हूं। एक तो अमेरिका में आज सुबह 6 सप्ताह के एक बच्चे की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना से मरने वाला वो सबसे कम उम्र का व्यक्ति है। यानी शुरू में जो कहा जा रहा था बच्चे और बुजुर्ग दो इसका सामना करने में लगभग ऐसा हो सकते हैं। दुनिया में मरने वालों की संख्या में भी 60 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों की संख्या ज्यादा है। राजस्थान में जो लोग मरे हैं उनमें ये हम संतोष करना चाहिए कि जो आज मरे वो भी और पहले एक व्यक्ति मरे वो भी उनको मल्टीपल डिजीज थी। बिल्कुल। ब्रेन हेमरेज था इनको उनको पहले वालों को हार्ट की डिजीज थी डायबिटीज थी उसकी वजह से उनका शरीर अशक्त हो चुका था दूसरी बीमारी से ग्रस्त था और कोरोना साथ में लग गया तो नाम कोरोना का बदनाम हो रहा है लेकिन वो अदरवाइज भी फिट नहीं थे किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए इसलिए कोरोना ने उनको घेर लिया। अदरवाइज राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इसमें कहने में कोई दो राय नहीं जो व्यक्ति स्वस्थ होकर के भी कोरोना से पीड़ित हुआ है उसकी जान की हिफाजत पूरी तरह से की गई कर ली गई है और ये किसी के हाथ में नहीं है मरने से रोकना किसी को लेकिन आप मेडिकली अगर पूरी सुविधा देते हो पूरे समर्पण से उसका इलाज करते हो तो ईश्वर भी शायद आपका साथ देता है ऐसा मुझे लग रहा है राजस्थान में। परंतु जो रामगंज में हुआ है अजमेर में हुआ एक परिवार के 5 लोग हुए भीलवाड़ा में जो हुआ एक डॉक्टर के देखे जाने से बाद इससे पूरे मुल्क को पूरे समाज को हर राजस्थान के व्यक्ति को सबक लेना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ जयपुर की सड़कों में बहुत सारे लोग निकले हुए हैं घूम रहे हैं मटर गश्ती कर रहे हैं पुलिस घरों में भेज रही है डंडे भी लगा रही है लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं मान रहे। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ये एहतियात बहुत जरूरी है इस बहर के लिए ये वक्त मामूली नहीं पूरी मानवता पर संकट आया हुआ है और मानवता पर आए हुए संकट पर हम जरा सी अनदेखी करेंगे तो हजारों लोगों की जान को खतरे में डाल देंगे जैसा कि हो गया है। दूसरा जो मेवात का इलाका है जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्याम शर्मा कह रहे थे मेवात के इलाके में गांव-गांव में ऐसी स्थिति है कई जगह गांव में पुलिस भी नहीं घुस पाती है और पुलिस भी घुसने के बाद में थोड़ा सोचती है उस पर जैसे इंदौर में स्वास्थ्य कर्मी गए उन पर पथराव हो गया ऐसे मेवात में भी आए दिन ऐसी घटना होती रहती है चोरों को पकड़ने आते तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो राजनेता है सरपंच से लेकर और एमएलए तक एमपी तक वो लोगों को समझाइश करें कि इस वक्त स्वास्थ्य कर्मियों को और पुलिस को अपना काम करने दें कोई भी जमाती वहां पर छिपा हुआ है उसको पेश करें वरना पुलिस को एक न एक दिन कर्फ्यू लगाना पड़ेगा मेवात के गांव में और कर्फ्यू लगाकर ही जांच की जाएगी और उसके बाद ही क्वारंटाइन किया जाएगा लोगों को। वो स्थिति आए इससे बेहतर ये है कि वहां के लोग खुद और वहां का पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने समर्थकों को जागरूक करे साथ ले उनको समझाइश करे और स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के साथ सहयोग के लिए उन्हें प्रेरित करें उन्हें तैयार करें वरना राजस्थान में जो रामगंज जैसा विस्फोट मेवात के गांवों में हो सकता है और हो सकता है उस दिन राजस्थान में ये स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाए इस इलाके में ऐसा वहां का जो इलाका है वहां जो मस्जिदें हैं उनमें जो लोग छुप जाते हैं उनके बारे में पहले कई बार कई प्रकार की कांड राजस्थान में हो चुके हैं उनका मैं इस वक्त जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन इतना सा कहना चाहता हूँ कि सरकार भी पुरानी इतिहास को जानती है और वो उसे देखते हुए एक तरह से सख्ती बरतेगी तभी मेवात से छुपे हुए लोगों को बाहर निकाल पाएगी अगर तबलीगी जमात के लोग वहां छुप गए और नहीं छुपे तो लोगों को बताना चाहिए कि हमारे पास कोई नहीं है बिल्कुल के पर इस वक्त कोई भी व्यक्ति राजस्थान में सत्य को नहीं छुपाए जरा भी आशंका हो या कोई व्यक्ति विदेश गया हुआ या छुपा हुआ उनके घर में उजागर करें सामने आए और प्लीज 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 आप लोग इसे तबलीगी जमात के मामले को रामगंज के मामले को किसी और नजरे से देखें एक बीमारी के फैलने के नजरे से देखें और उसे रोकथाम में जितनी मदद हो सकती है सरकार की करें यही मैं कहना चाहता हूं। और इस वक्त हम उन सारे संगठनों को जो गरीबों के भोजन का गरीबों की दवा का ध्यान रख रहे हैं उनको भी एक जिम्मेदार चौथा स्तंभ होने के नाते लोकतंत्र का चैनल भी इस बात का शुक्रिया अदा करता है कि पूरे देश ने ये नारा दिया है देश हमारा हम देश के एवन टीवी ने नारा दिया है सब लोग इसका पालन करेंगे ये देश हम सब का है और हम सब इस देश की थापी है।
जी बिल्कुल अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से आपने साझा की, बहुत जरूरत है हम लोगों को सावधान रहने की। देखिए लगातार, क्योंकि आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उम्मीद पहले ही लगाई जा रही थी कि हम बहुत जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अभी ये जो दो बड़े विस्फोट हुए हैं इनकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल चीजें लगातार होती जा रही हैं। ऐसे में बहुत जरूरत है कि ध्यान रखने की, अपना ध्यान रखने की और अपनों का ध्यान रखने की।